तो जंगल में तो मैं आ गया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे जंगल टेम्पल भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना फिर यार जाऊँगा अच्छा नहीं लगेगा। और ये बारी मेरी बिल्ली, इसको मैं लेके जाऊँगा साथ में, लेकिन अभी नहीं, जब मैं घर पे जाऊँगा जब इसको लेके जाऊँगा अपनी बोट में बिठा के। तो भाई बाहर तो बारिश हो रही है, इसलिए मेरी बिल्ली भी अंदर ही है। और अभी मुझे सोचना पड़ेगा सही से कि मुझे कैसे ढूंढना है, मतलब कि जो जंगल टेम्पल है यार वो ऐसे मिलने वाला है नहीं, और ये भी नहीं पता कि वो मिलने वाला है कहाँ, क्योंकि कोऑर्डिनेट ही नहीं पता उसके ढंग से कि कहाँ मिलने वाला है। और वो देखो सामने पांडा, जो मैंने पीछे स्क्रीनशॉट लिया था पिछली वाली वीडियो के लिए, वो इसी पांडा से लिया था। तो मुझे पता नहीं था कि मेरे घर के आसपास एक पांडा घूम रहा है, मैं इसको ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी कैट को ले जाने वाला हूँ, इसको नहीं ले जाऊँगा। तो मेरे को एक कैटोग्राफी टेबल भी बनानी है, उसके लिए मुझे शुगर केन चाहिए। अभी शुगर केन ढूंढने पड़ेंगे भाई, मुझे तो नहीं लगता है आसपास कहीं मिलने वाले भी है, ऐसे जंगल है तो मिलने के चांसेस तो है। तो बैम्बू तो यहाँ मिल जाएंगे। अरे यार मैं कैट को बिठा के नहीं लाया, मतलब बिठाया ही नहीं मैंने कैट को, 1 मिनट इसको घर में बिठाऊं पहले। यार अभी ऐसे नखरे दिखाएगी, चल तू यहीं बैठ, अभी ऐसे भीग पानी में मैं थोड़े से शुगर केन ढूंढ लूँ भाई। और मुझे लग रहा है कि मुझे जाना पड़ेगा वापस से विलेज में, क्योंकि वहाँ पर मैंने शायद से देखे थे, वो देखो वो रे शुगर केन। तो जितने शुगर केन होंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि मेरे को एक मैप बनाना पड़ेगा। और 8 शुगर केन से कितने मैप बनते होंगे, मेरे ख्याल से ठीक ठाक बन जाते होंगे। ओके बनाते हैं इनसे चीज़ें, और एक बना लेता हूँ कैटोग्राफिक टेबल। भाई शुगर केन का तो नाम ही नहीं है कहीं भी, मैं ऐसे ही घूमे जा रहा हूँ और शुगर केन है ही नहीं। बस यार एक मैप बनाना है मुझे कि मैं जंगल को एक्सप्लोर कर सकूं कि इसमें है क्या। ओके यहाँ पर है भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया मिलने में भाई। तो हो गया हमारा काम, चलते अपने घर। ओके तो करना क्या है, सबसे पहले तो मुझे एक मैप बनाना है जो कि बिना पॉइंट के होगा, पॉइंटर नहीं होगा इसमें। और क्रिएट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके ये हमारे आसपास का एरिया, अब मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि तभी तो मैं इसको एक्सप्लोर कर पाऊँगा ना। तो ये ऊपर ही रखना है ना। ओके एक लेवल हो गया, थोड़ा सा और बड़ा कर लो इसको। देख रहे हो एक पेज से भी मैं मैप बना सकता था भाई, मैंने 9 पेजेस ख़राब कर दिए, मैं पहले भी बना सकता था यार। और ये बड़ा तो होगा मुझे लग रहा है, पर हाँ हो तो रहा है बड़ा। अच्छा इस तरफ जाऊंगा, इस तरफ थोड़ी ना होगा, दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। रात भी हो गई यार, सारी चीज़ें अभी होनी है। तो चलते हैं देखते हैं कि किस तरफ हमें मिलेगा। ये मैप तो मैंने बनाया है, हाँ अब हो रहा है एक्सप्लोर, अब पता चल जाएगा कि आसपास है क्या। अपना कोऑर्डिनेट तो मेरे को याद है, पर इसमें मेरा पॉइंट नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें कंपास नहीं लगा हुआ। अगर मेरे पास कंपास होता तो इसमें कंपास लगा देता। और 1 मिनट वहाँ पे कुछ दिखा मुझे, 1 मिनट नहीं कुछ नहीं है, मुझे लगा वहाँ पर मिल गया भाई मुझे को, पर नहीं। ओ भाई यार ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती इसमें, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता कि कब में आ जाइए कि। पर मैं एक काम करता हूँ, शील्ड को हटाओ, दोनों हाथ में मैं पकड़ूँगा, अब थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है। इधर तो जंगल नहीं है, जंगल के बीच में ही रहना है मुझे। ओके इधर जंगल है, इधर का भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। कुछ दिखा इस मैप में? नहीं कुछ नहीं दिखा, कुछ होगा तो दिख जाएगा। यार ये किधर मिलेगा सही में, यार बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता है, ये भी मिलता नहीं है ढंग से। और मैप में तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी तक कुछ आया है, थोड़ा सा और आगे चलो। कुछ मैप में नहीं दिख रहा, या दिखेगा तो मुझे सामने ही दिख जाएगा। एक तो मेरा चंक जो है ना 8 पे सेट किया हुआ है मैंने, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत करता है, उसको मैं ज़्यादा सेट करना चाहता भी नहीं हूँ वैसे, क्योंकि इस वर्ल्ड को मैं 8 पे ही खेलना चाहता हूँ ताकि मुझे कम चीज़ें दिखें। और दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है, मैप के अंदर भी कुछ नहीं है। कोई नहीं आगे चलते हैं, मुझे पता है कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है, अभी जंगल में आए तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगी। तो ऐसे तो भाई घूमता रह जाऊंगा मैं, कभी मिलने वाला है नहीं।
काश इसमें एक पॉइंट भी होता वो भाई, अभी मैं गिरते गिरते बचाऊँ, यहाँ पर खतरा है। ओके टाइगर बायोम आ गई, तो बाहर से दिखता है, देख तो लूँ। कुछ नहीं है, और ऊपर से दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। अब इसको पार करके मैं दूसरी तरफ जा सकता हूँ वैसे? नहीं यार, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। कुछ मिल जाए यार। ओके ओके ठीक है ठीक है, मिल गया। ओ भाई साहब मिल गया। सो गाइस फाइनली मिल गया डिजर्ट टेम्पल, अरे डिजर्ट बोल रहा हूँ मैं, जंगल टेम्पल मिल गया है। ये रहा हमारा जंगल टेम्पल, और मैं सही बता रहा हूँ भाई, इसको ढूंढते ढूंढते मेरी हालत ख़राब हो गई है। बहुत देर से मैं ऐसे ही चक्कर लगाए जा रहा हूँ, मैप देख रहे हो भाई, पूरा ही एक्सप्लोर कर दिया एक तरीके से, आधा रह गया वैसे, पर फिर भी भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसको ढूंढते ढूंढते। और हमें अभी जाने जाना कैसे है? वैसे जाने का रास्ता इसी तरफ है, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, तो गाइस ये है डिज़र्ट टेम्पल। सबसे पहले तो एक टॉर्च, खाना खा लो। तो भाई अभी अंदर चलते हैं, तो यहाँ पर देखो खतरा है। एक तो ये देख रहे हो, यहाँ पर एक रस्सी दिख रही है ट्रैप डोर लग के, जैसे मैं जाऊँगा वो आगे से तीर लगेंगे ऐसे करके, निशाने भी गलत है उसके। ठीक है जैसा भी है इसको हटाओ। और एक यहाँ पर मिलेगा हमें ये, जो कि है डिस्पेंसर, ले लो भाई, डिस्पेंसर काम की चीज़ है, ज़रूरत पड़ती है। देख रहे हो कैसे कैसे इसमें कनेक्शन होके आ रहा है, ये देखो कनेक्शन। और यहाँ पर एक और होएगा, ये रहा, ये जैसे आगे से आएगा, मैं थोड़ा साइड से होके दिखाऊं। ओ भाई अच्छा मेरी लग गई, तोड़ो फिर इसको। और ये रहा दूसरा डिस्पेंसर, एरो भी मुझे फ्री में मिल गए। तो ये हमारा चेस्ट पर कुछ है नहीं भाई, गोल्ड के अलावा कुछ नहीं मिला, हड्डियाँ मिली है, बेम्बो तो है ही हमारे पास। अरे यार कुछ ढंग का दे देते। अभी एक और है हमारे पास, ये रहा, इसमें एक कोड होता है, कोड डालने के बाद यहाँ से एक रास्ता खुलता है। तो इसका कोड सही बता रहा हूँ मेरे को याद नहीं है, ना ही मैंने आज तक कभी कोशिश की याद करने की। दोनों ऊपर कर दूँ तो? ओके थोड़ा सा खुला, ये किससे खुला होगा? अच्छा इससे खुला है, ओके अब उसे ऊपर कर दूँ तो? ओके खुल गया, ये था, पहले भी मैंने वही किया था शायद से, पर पहले नहीं खुला था, एक एक करके करना था। चलते हैं नीचे, यहाँ पर भी हमारे पास खजाना है, ये रहा, बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया खजाना कोई हो भी नहीं सकता। पर यहाँ पर हमें मिल जाएंगे ये, जो कि है पिस्टन, स्टिकी पिस्टन। और स्टिकी पिस्टन का काम तो आपको पता ही है भाई, ये चिपका के रखता है चीज़ों को। दो स्टिकी पिस्टन मिल गए फ्री में, इसकी ज़रूरत नहीं है। चलते ऊपर, बहुत ही बेकार है, सही में बहुत बेकार है, अपने घर पे जाना पड़ेगा अभी। तो खजाने के नाम पे हमें स्टिकी पिस्टन और डिस्पेंसर मिले इसमें से, और कुछ नहीं मिला। और यहाँ क्या है भाई, एक और है क्या? नहीं ये तो पहाड़ है। चलो भाई चलते हैं, हमारा था माइनस में था, और एक था 300, 230 माइनस, ऐसे ही था, मतलब इधर जाना है। और मैं मैप को क्यों देख के चल रहा हूँ भाई, इसमें पॉइंट तो है ही नहीं, क्योंकि कंपास नहीं लगा हुआ इसमें। तो इस जंगल में ना कुछ स्ट्रक्चर वगैरह कुछ होता नहीं है, सिर्फ पेड़ ही पेड़ होते हैं, और नीचे लीव्स लगी होती है जो कि जंगल ट्री की होती है, और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ओके ओके मिल गया, बोरा दिख गया मुझे दूर से, बहुत बढ़िया। तो आ गया हूँ घर, अभी जाने की तैयारी करूँगा, कि मुझे देखना पड़ेगा क्या क्या ले जाना है। तो एक तो मुझे ये ले जानी है, ठीक है, मेरे को ये भी ले जानी है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और ये भी ले जाना है। टैग, टैग मैं अभी यूज़ नहीं कर सकता, तो टैग मैं बुक की जगह रख दूँ। और बीज ले जाने हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। शेडल मेरे को पता है घोड़ा नहीं मिलने वाला, शेडल को यहीं पे छोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रस्सी ले जा सकता हूँ, एक शील्ड को तो मैं हाथ में पहन लूँ,
और ये यार कुछ करने नहीं देंगे मुझे। और मेन चीज़ तो मैं भूल ही गया, हमारे बेम्बो इनको कैसे भूल सकते, वहीं के लिए तो आए थे। और इसमें से कुछ चीज़ हटाने लायक, अभी हटाऊँ क्या, बीज हटा सकता हूँ पर इनमें से रखने लायक कुछ नहीं है। ये रख सकते हैं सेंड, वैसे बहुत सारी है। ये ट्रैप वायर हुक को निकालो, इनकी जरूरत नहीं है। एम्प्टी मैप रखो, ये भी हटाओ क्योंकि वहाँ पर मुझे और भी चीज़ें चाहिए ना आगे। तो हमारे कोऑर्डिनेट घर के भाई सही में याद नहीं है। आ जा बिल्ली, बैठेगी। ओ बिल्ली आ जा इधर। ओके बैठ तो गई। और ये कि नमूना मर बेटा, तू भी मर। फालतू में बोट में बैठ रहा है भाई, ये मैंने गलती कर दी। क्या चल रहा है भाई, कभी मैं बैठ रहा हूँ कभी वो बैठ रहा है बोट में। मर गया खुद ही, और बैठो बोट में दिन के टाइम, यही होना था। तो पहला स्टॉप हमारा टाइगर बायोम, वहाँ से मुझे लेनी है ट्री की सैपलिंग थोड़ी सी, और उसके बाद जाएंगे अपने घर पे। बड़ी जल्दी आ गया, यहीं से ले लूँ कोने से ही। तो कुछ गिरा, अच्छा एक सैपलिंग आ गई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ थोड़ी सी और सैपलिंग गिर जाए तो अच्छी बात है, एक सैपलिंग और आ गई। तो टोटल हमारे पास 5 सैपलिंग हो गई, निकलते हैं यहाँ से। और एक ये नीचे गिरी हुई, 6 सैपलिंग हो गई। ओके चलो अभी घर को निकलते हैं, पहले तो मुझे इस नदियों में से निकलना पड़ेगा। यहाँ पे बैरी भी लगी हुई है, क्या ना मैं बैरी भी ले लूँ यार। उठाऊँ क्या, कैसे क्या फेंकूँ, कुछ है फेंकने लायक? मुझे पता है बाद में मुझे दिखेगी चीज़, पर अभी मेरे को सही में नहीं दिख रही चीज़। क्या फेंकूँ यार, इसी को फेंक देते हैं, ऐसे भी ये ख़त्म होने वाली है। तो मैंने पहले ही बोला था सामान के लिए मुझे अपने टूल भी फेंकने पड़ सकते हैं, और वैसे ही वो ख़त्म होने वाली थी, इसलिए मैंने एक्स की जगह बैरी रख ली। रिपोर्ट, ओ भाई लगते लगते बचती है यार, मुझे तो कभी कभी डर रहता है कि मरेगी आज मेरी बिल्ली। ओके आ रही है, एक मिनट मैं बिल्ली को थोड़ा खाना खिला दूँ। ठीक है रिपोर्ट, बैठ जा भाई बिल्ली इसमें। भाई समझदार है वैसे, खुद ही कर लेती है जो भी करना होता है। तो मुझे जाना था इस तरफ, ए इस तरफ जाना है, नीचे एक रूइंस है, जाके चेक कर लूँ मैं पहले क्या है उसमें। वैसे भी अब तो समुंदर हमारे ही है, हम जहाँ चाहे जा सकते हैं। मेरे को रेजर चाहिए भाई, कहाँ मिलेगा, होना तो यहीं चाहिए। एक नमूना, मैं ऊपर जाऊँ पहले सांस ले लूँ। ट्रेजर तो है ही नहीं भाई, हट यार, पूरे में नहीं है, कहीं भी नहीं है कुछ भी, खाली पड़ा हुआ है। और नीचे मुझे एक और चीज़ दिख रही है, एक शिप रैक है, उसको भी चेक कर लूँ। चलो भाई शिप रैक एक्सप्लोर करते हैं। अने बहुत शिपरेक वैसे एक्सप्लोर तो की हुई है, पहले इस नमूने। भाई आ जा तू, मर जा भाई, मेरी सांस भी है कुछ, वो भी लिमिटेड ही है। किधर है खजाना, पहले तू ही फेंक ले भाई। ओके ट्रेजर मैप हटाने लायक कुछ नहीं, मैप हटा दो। मैं एक बार ना नीचे ये पीछे वाले हिस्से में देख लूँ, ये वही तो है ना। ओ भाई बहुत बढ़िया, ये नया है, चलो कुछ अच्छा मिला, बहुत बढ़िया। इसका मतलब जो ये पीछे का हिस्सा है, हमारी जो वोट है उसमें भी तो होना चाहिए ना। मैं घर पे जाके चेक करूँगा इसको, कि जो पीछे वाला हिस्सा तो वो तो मैंने देखा ही नहीं था भाई। बहुत बढ़िया, ये मेरे को घुमाएगा उल्टा सीधा, तो थोड़ा सा मुझे अंदर से जाना पड़ेगा। और मैं खजाने के बिल्कुल पास ही हूँ भाई, यहाँ बताया खजाना, एक मिनट उस वाले पे बताया है। ओके मिल गया,
जल्दी ही मिल गया। तो ये ले जा सकते हैं इसमें से, ये ले जा सकते हैं, और क्या ले जाए, इनकी ज़रूरत नहीं है हमारे पास, बहुत मिल जाएंगे। तो एक मैंने बोटल ऑफ इनचेंटिंग ले ली और बस बहुत है। और ये मैंने कचरा कर दिया सारे में, ये भी बहुत ज़्यादा माइन करने पड़ती है। तो सही है, जितने हमारे पास हट ऑफ द सी होंगे उतनी ही जगह हम कब्जा कर पाएंगे, और वो जगह हमारी हो जाएगी। जैसे मेरे घर के नीचे का हिस्सा है, अब वहाँ पर मैं कभी भी आ जा सकता हूँ, चाहे मेरे पास कुछ हो या ना हो, बड़ी आसानी से आ सकता हूँ। ओके, क्या मिला है? लक ऑफ द सी 1 मिली है, और कोल है, ठीक है। लक ऑफ द सी चाहिए नहीं मुझे, इसके नीचे तो देख लूँ क्या है। मैं अभी यार किससे तोड़ रहा हूँ, खाली है। ओके ओके, आ गई फाइनली घर। और सबसे पहले मैं अपने डायमंड वायमंड रख के उस जगह पे जाके देखूंगा, बोट की दूसरी साइड में। तो किधर थी वो बोट? इधर थी कि किधर थी? अरे इधर ही तो थी, हाँ ये रही। तो मैं तो अभी अनलिमिटेड सांस ले सकता हूँ। चल भाई अंदर। अच्छा तो कुछ नहीं था इसमें। ओके, तो घर पे आके भाई थोड़ा सा तो अच्छा लग रहा है, कोऑर्डिनेट सेट कर दूँ बस, और अब जाके मैं थोड़े से बैम्बू लगा लूँ, ये लगाने भी ज़रूरी है। थोड़े से मैं अभी ना ऐसे ही उगा रहा हूँ टेढ़े मेढ़े, ये बड़े हो जाएंगे तब मैं इनको ढंग से लगाऊंगा। ओके लग गए, अभी हमारे पास बैम्बू आ गए। और एक चीज़ और कि यहाँ पर मेरे को एक ने बताया था कि बिना डिस्पेंसर के भी मैं बना सकता हूँ, और मैं जल्दी ही बनाने वाला हूँ, शायद मैं अगले पार्ट में इसको अपडेट कर दूँ तो बिना डिस्पेंसर के आ जाएगा, तब बढ़िया रहेगा। वैसे तो जो छोटी मोटी और चीज़ें लाया था उनको भी मैं लगा ही दूँ, जैसे कि ये लाया था, ये जो सीट बैरी है, और ये जो मैं लाया था कोकोआ बीन्स, इनको भी मैं लगा दूँ। ये सिर्फ जंगल के पेड़ पे ही लगती है और कहीं नहीं लगने वाली, और जंगल के पेड़ तो हमारे पास है भाई, ये रहे। ओके, तो जल्दी अब हम कुकी बना के भी खाया करेंगे। कुकी भी वैसे बनानी चाहिए यार, क्योंकि वो जब दी हुई है चीज़ तो उसको भी बना के खानी चाहिए, तो अब कुकी भी बना पाएंगे हम। अभी हमारे पास बहुत कुछ हो गया है, और मेरी कैट तो रह गई है भाई, इस कैट को कैसे भूल सकता हूँ भाई। निकालो इसे यहाँ से, टूट जा भाई जल्दी। तो कैट आ गई, इसको मैं एक नाम दे दूँ, इसका मैं नाम, ये देख रहे हो आते ही चेस्ट पे बैठना, इसका बिहेवियर यही है कि ये सिर्फ चेस्ट पे ही बैठती है। तो इसका नाम है कैटे, कैटी, कैटो, कैटो, कैटो रख, नहीं कैटोग्राफर नहीं होते, कैटी रख देता हूँ, ये ठीक है, डबल आई लगा देता हूँ, कैटी। ओके, तो हमारे पास आ गई हमारी कैटी बिल्ली, ये हमारे घर में घूमती रहेगी और जाके मेरे किसी चेस्ट पे बैठेगी। ओके, एक्सप्लोर कर रही है मेरा घर, करने देते हैं, घर में ही छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस आज का हमारा काम हो गया, बैम्बो लाने के लिए आए, उसके साथ ही खजाना भी ले आए, जिसमें हमें आयरन तो मिले भर भर के, लेकिन डायमंड थोड़े कम मिले हैं, एमरन भी मिले हमें, और बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं टाइगर बायोम से भी, पेड़ भी लगाने, पीछे बहुत काम करना है भी जो मैं ऑफलाइन करने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले गेमिंग एपिसोड में।